किसान टेक्निकल महिंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए महिंद्रा के यूवो टैक प्लस 275 DI टू व्हील ड्राइव की वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ने अपने यूवो टैक प्लस सीरीज़ के अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं। उन बदलावों के बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले ट्रैक्टर के फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट पे हैवी लोडेड बम्पर देखने को मिलता है। फ्रंट पे महिंद्रा का 3D लोगो लगा हुआ है जो ट्रैक्टर के लुक के अंदर एक शानदार लुक प्रोवाइड करता है। इंजन के रेडिएटर को जाली के द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया ताकि स्टोरिपर आदि इंप्लीमेंट में चलते वक्त ट्रैक्टर के रेडिएटर में किसी तरह का धूल मिट्टी कचरा ना आए। फ्रंट एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है। फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें आपको 6/16 के काफ़ी बड़े साइज़ के टायर देखने को मिलते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी मिलता है। अब इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में हम आपको बताते हैं तो इसके लिए ट्रैक्टर का बोनट ओपन करते हैं। ये जो आप नोब देख रहे हैं इसको नीचे की तरफ ऑपरेट करके बोनट ओपन होता है। जैसे ही बोनट ओपन होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक काफ़ी बड़े साइज़ का रेडिएटर लगा हुआ है। रेडिएटर के साथ ही एक रिकवरी बोतल लगी हुई है जो कि रेडिएटर में पानी कम होने के बाद इसमें से पानी ऑटोमेटिक रेडिएटर के अंदर रिफिल हो जाता है। ट्रैक्टर के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। ट्रैक्टर के इंजन की HP की बात करें तो इसमें आपको 37 HP का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जिसकी 2100 इंजन रेटेड RPM है। और टॉर्क की बात करें तो इसमें 146 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। डीजल पंप की बात करें तो इसमें आपको बॉस कंपनी का इनलाइन डीजल पंप देखने को मिलता है जो कि एक सिंगल डीजल फिल्टर के साथ इस ट्रैक्टर के अंदर महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी लगा के देती है। स्टार्टर मोटर की बात करें तो इसमें आपको TVS लुकस कंपनी का स्टार्टर मोटर देखने को मिलता है और अल्टरनेटर इसमें आपको TVS लुकस कंपनी का देखने को मिलता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पंप की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डोटी कंपनी का पावर स्टीयरिंग प्लस हाइड्रोलिक दोनों का एक ही पंप इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ जो आप ये मोबिल फिल्टर देख रहे हैं, ट्रैक्टर के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को जाली के द्वारा अच्छे तरीके से कवर किया गया है ताकि इसकी हीट के द्वारा किसी तरह की इंजरी ना हो। ट्रैक्टर के एयर क्लीनर की बात करें तो इसमें आपको ड्राई टाइप का एयर क्लीनर देखने को मिलता है। इंजन के कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें ट्रैक्टर में फुली वाटर कूल्ड इंजन इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है। अब इस ट्रैक्टर के डीजल टैंक की बात करें तो इसमें महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी मेटल का 52 लीटर का डीजल टैंक इस ट्रैक्टर के अंदर प्रोवाइड करवाती है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें आपको सिंगल स्टेप फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। प्लेटफॉर्म पूरा खुला और काफ़ी अच्छा स्पेस है जिससे ऑपरेटर इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल और डबल दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी मॉडल इस ट्रैक्टर के अंदर ले सकते हैं। ये जो हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं ये ड्यूल क्लच का 275 DI है। ब्रेक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको फुली ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक देखने को मिलते हैं। क्लस्टर मीटर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको फुली डिजिटल क्लस्टर मीटर देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको ट्रैक्टर के पूरे इंडिकेशन देखने को मिलती है। यहाँ जो आप ये कॉम्बिनेशन स्विच देख रहे हैं इससे हेडलाइट, लो बीम और हॉर्न प्लस इंडिकेटर का ये कॉम्बिनेशन स्विच आप जो देख रहे हैं, यहाँ ये हैंड एसिलेटर दिया गया है। अब हम ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसमें आपको साइड शिफ्ट ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इस ट्रैक्टर में आपको 3 स्पीड लो मीडियम हाई और 5 रेंज गियर देखने को मिलते हैं। तो ट्रैक्टर के टोटल स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 12+3, यहाँ जो आप ये येलो कलर का लीवर देख रहे हैं ये पार्किंग का लीवर दिया गया है। PTO की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 33.5 HP की PTO पावर देखने को मिलती है। यहाँ जो आप ये लीवर देख रहे हैं ये PTO का लीवर दिया गया है।
इसको पीछे की तरफ ऑपरेट करते हैं, पीछे की तरफ ऑपरेट करने से पीटीओ इंगेज हो जाता है। अब हम हाइड्रोलिक किस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक की बात करते हैं, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक डेप्थ और पोजीशन कंट्रोल के दो लीवर देखने को मिलते हैं। अब हम आपको ट्रैक्टर के बैक साइड पे लेके चलते हैं। एक और बात, इस ट्रैक्टर में आपको जो ड्राइवर सीट देख रहे हैं ये एडजस्टेबल है, इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार आगे और पीछे कर सकते हैं। रियल एक्सल और पीछे के टायर की बात करें तो इसमें आपको 13-6-28 के काफ़ी बड़े साइज़ के टायर देखने को मिलते हैं। फेंडर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी और हैवी मटेरियल के साथ बनाए गए हैं, जिससे इस ट्रैक्टर के फेंडर में किसी तरह के वाइब्रेशन और डैमेज नहीं होता। रियर एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर में महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ईपी साइकिल रिडक्शन का एक्सल अपने ट्रैक्टरों के अंदर प्रोवाइड करवाती है। ये एक हैवी एक्सल माना जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 1500 केजी की हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि डबल सेंसिंग के साथ इस ट्रैक्टर में आपको प्रोवाइड की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इसमें आपको सिंगल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलता है, जो कि टिपिंग ट्रॉली के लिए यहाँ से एक सिंगल पाइप लगाया गया है। हिच पॉइंट की बात करें तो इसमें काफ़ी हैवी क्वालिटी का हिच पॉइंट दिया गया है। लोअर लिंक की भी लंबाई काफ़ी अच्छी है, यहाँ जो आप ये एडजस्टेबल जैक देख रहे हैं। पीटीओ की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 540 6 सप्लाइन का पीटीओ देखने को मिलता है। पीटीओ की बात के साथ साथ अगर इस ट्रैक्टर के टोटल ट्रांसमिशन ऑयल की बात करें तो इसमें आपको 32 लीटर का ट्रांसमिशन ऑयल इस ट्रैक्टर में मिलता है। इंजन ऑयल की बात करें तो इस ट्रैक्टर में इंजन ऑयल आपको 7.5 लीटर की कैपेसिटी का इंजन ऑयल देखने को मिलता है। यहाँ जो आप ये लिफ्ट फिल्टर देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक ऑयल को साफ करने के लिए यहाँ फिल्टर लगाया गया है। ये जो आप स्विच देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर के पीछे की अगर कोई इम्प्लीमेंट या कोई ट्रॉली लगाई गई हो तो उस पर लाइटिंग के लिए यहाँ से आप कनेक्शन ले सकते हैं। और एक ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ HSRP नंबर प्लेट लगाने के लिए ये लाइट दी गई है, जो कि रात को चलते वक्त ये लाइट जलती है। तो अब हम बात करते हैं महिंद्रा यूवो टेक प्लस सीरीज़ में महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी अपने कस्टमरों को 6 साल की वारंटी दे रही है। इसमें महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी इंजन, गियर और ट्रांसमिशन को 6 साल के लिए कवर करती है। यूवो टेक प्लस सीरीज में आप सभी मॉडल फोर व्हील में भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फोर व्हील और सिंगल क्लच और डबल क्लच का ऑप्शनल महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी सभी ग्राहकों के लिए दे रही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार टू व्हील, सिंगल क्लच या फोर व्हील, डबल क्लच, किसी में भी ऑप्शन इस ट्रैक्टर के अंदर ले सकते हैं। इस तरह की और वीडियो और जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आ सकें और नई से नई जानकारी हम आपको दे सकें। धन्यवाद।